दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट मिले हैं, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स हम लोग अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। क्या है, क्या फ़ायदा है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस, जिसको कि हम लोग एलपीजी या गैस कहते हैं, का कनेक्शन देती है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एलपीजी गैस का कनेक्शन देती है, और यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। आज भी दोस्तों ग्रामीण इलाके में खाना पकाने के लिए पिछले पुराने जमाने से जो है लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल होता है। इससे जो धुआं निकलता है उसका काफ़ी खराब असर महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ऐसी महिलाओं को राहत मिलती है, साथ ही इससे ग्रामीण इलाके को स्वच्छ रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। किन लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लाभ मिल सकता है? तो साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत कुल 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो उज्ज्वला योजना है दोस्तों, इसके क्या-क्या लाभ हैं? शुद्ध ईंधन के प्रयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के प्रयोग न करने से वातावरण में कम प्रदूषण होगा। खाने पर धुएं के असर से मृत्यु में कमी होगी। छोटे बच्चों में स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिलेगा। यह जो उज्ज्वला योजना है, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आवेदन कर सकते हो? तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म भर के नज़दीकी एलपीजी केंद्र में आपको जमा करना होता है, और उज्ज्वला योजना में आवेदन के लिए 2 पेज का फॉर्म, जरूरी दस्तावेज, नाम, पता, जनधन बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर आदि को जो है वहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म होता है उसके साथ लगा के आपको वहाँ पर देना होता है। आवेदन करते समय आपको यह भी बताना होगा कि आप 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना चाहते हैं या फिर 5 किलोग्राम का। तो दो दो गो है सिलेंडर, आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सा आपको लेना है। ये जो उज्ज्वला योजना है, इसका फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? तो उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र आप जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है नज़दीकी एलपीजी केंद्र से भी जो है आवेदन फॉर्म जो है इसका है वहां से आप इसको ले सकते हो। गूगल पर जाके आप लिखोगे यहाँ पर PMUY, तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। इसको ओपन करके यहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जाके साइड में आप इसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म है, इसको क्लिक करके यहाँ से आप जो है फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसे बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है क्लिक करना है डाउनलोड फॉर्म में जाके, यहाँ से आप जो है इसको फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब उज्ज्वला योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे? तो पहला आपका हो गया पंचायत अधिकारी या नगर निगम पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल कार्ड, दूसरा हो गया आपका बीपीएल राशन कार्ड, तीसरा हो गया फोटो आईडी, या फिर इसमें फोटो आईडी में आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी हो सकता है, चौथा हो गया आपका पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, पांचवा हो गया आपका राशन कार्ड की कॉपी, ठीक है, छठा हो गया राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व घोषणा पत्र,
सातवां हो गया आपका LIC पॉलिसी बैंक स्टेटमेंट, आठवां हो गया आपका BPL सूची में नाम का प्रिंट आउट। उज्ज्वला योजना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला, आवेदक का नाम जो है सेक्शन 2011 के आंकड़ों में जो है होना चाहिए। आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो, और महिला BPL परिवार से होनी चाहिए। महिला का एक बचत खाता किसी राष्ट्रीय बैंक में होना अनिवार्य है। आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से कोई LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास BPL कार्ड और BPL राशन कार्ड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर योग्य BPL परिवार को वित्तीय सहायता योजना के तहत उज्ज्वला योजना में 1600 रुपये का आर्थिक सहायता देगी। यह रकम LPG गैस कनेक्शन खरीदने के लिए होगी। इसके साथ ही चूल्हा खरीदने और पहली बार LPG सिलेंडर भराने में आने वाले खर्च को चुकाने के लिए किस्त की सुविधा भी यहाँ पर दी जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड सारा जानकारी मैंने आपको दिया है। यहाँ आई बटन में मैं इस योजना से रिलेटेड वीडियो का एक प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा, आप उसको क्लिक करके सारा वीडियो वॉच कीजिएगा, अपने नॉलेज को आप बढ़ा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो, कमेंट कीजिए। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों। और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों, और सारा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाह रहे हो तो केवल और केवल कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इसके माध्यम से बात कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसको दबाइए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है आपको इस तरह के मिलते रहें नोटिफिकेशन में। आप उसको जल्द से जल्द वॉच करके अपना नॉलेज बढ़ा सको। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।